न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर बलरामपुर से, जहां सड़क से नीचे गड्ढे में कार पलट गई। महाराष्ट्र के 4 यात्री घायल हुए। नेपाल में पशुपतिनाथ का दर्शन करके लौट रहे थे कार सवार महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों की कार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा तुलसीपुर के पास संतित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा पलटी। कार में सवार 4 तीर्थयात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार में सवार अर्जुन ने बताया कि 14 मई को वो लोग महाराष्ट्र के जिला परभणी से तीर्थयात्रा के लिए निकले थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुलसीपुर टोल प्लाजा के निकट सड़क पार कर रहे मवेशियों को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। आसपास मौजूद ग्रामीणों टोल प्लाजा कर्मियों ने दौड़कर जान बचाई। ग्रामीणों ने कार में फंसे यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बस्ती में कप्तानगंज पुलिस लगातार संविधान बनाने में भाजपा को वोट ना देना दलित को महंगा पड़ रहा है। वोट ना देने पर दलित परिवारों की भाजपाई नेताओं ने जमकर कुटाई कर दी। मामला देर शाम का है, जहां पर पहले दलितों का प्रार्थना पत्र बदलवाया गया, फिर भी कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। लगभग 24 घंटे से पीड़ित परेशान नजर आए। मेडिकल भी कराने से पुलिस पीछा छुड़ा रही थी। बीजेपी नेताओं ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। लगभग 30 से 35 लोगों ने पहले यहां पर अभद्रता की, फिर घर में घुसे और लात घूसों से जमकर पिटाई की है। किसी का हाथ टूटा है, किसी कोई लहूलुहान हुआ है, किसी को अधमरा छोड़कर वो लोग फरार हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के करचोलिया गांव का ये पूरा मामला है। हमारे गांव के वर्तमान प्रधान पिंटू सोनकर, जो भाजपा के दबंग नेता हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख कप्तानगंज भी रह चुके हैं, वो सुबह हमारे घर पर आए। वो दबंगे से कहे कि पूरे मोहल्ले का वोट हमको चाहिए, नहीं तो तुम्हें चरस गांजा में चालान करा देंगे, घर गिरवा देंगे, तुम्हारा राशन कार्ड कटवा देंगे। और उनका कहने पर जब हम खुद के वोट के मालिक ये बात कहे तो हमको गाली गलौज दे के भगा दिए। उसके बाद बहुत सारा चर्चा चलता रहा, उसमें बीच में सपा का एक एजेंट भी नहीं बन पाया इस भाजपा के। बलरामपुर जिले के थाना हरैया के बनकटवा रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहीजना के मचरा मेंढी में बिना परमिट के 50 पेड़ सागौन का कटान जारी है। जब इस संबंध में एसटीओ वन विभाग से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र का पेड़ है, ये प्रकरण संज्ञान में आया है। मामले को मौके पर निरीक्षण करके उचित कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में भीषण गर्मी का कहर जारी। खेत में काम कर रहे किसान की मौत, ज्यादा गर्मी से किसान की हार्ट अटैक से हुई मौत, संभावना तो ऐसी ही है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब साफ हो पाएगा। थाना नूरपुर क्षेत्र के झिरन गांव का ये पूरा मामला। 9 बजे हो गए, उनके साथ लड़का गया था। उस लड़के को उन्होंने बोल दिया कि तू जाकर थोड़ा सा न्यार काट ले, मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर बाद में, गर्मी हो जा रही। वो लड़का आ गया, पता नहीं वे खेत में काम करते करते और हमें कोई पता नहीं गिर गए। हमें कोई पता नहीं, तो जैसे वो जंगल में सभी लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग जब अपने घर को आने का टाइम तक घर आ गए, कुछ लोग परेशान रहे थे अपना काम करते हुए। उन्होंने देखा कि ये खेत में उनका खेत है और वे कौन पड़ा देखो मैं, उन लोगों ने देखा नरेगा वाले आ रहे थे और भी खेत काम करने वाले आते। आगरा की पॉश कॉलोनी में कारोबारी की पत्नी की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश ज्वेलरी और कैश लूट कर फरार हो गए। चांदी कारोबारी प्रेम प्रकाश के घर पर 62 साल की पत्नी थी। घर पर मौजूद कोठी के ताले खुलवाए गए, अलमारी के ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया। अलमारी में रखे लाखों के जेवरात और कैश लेकर गायब हुए बदमाश। आगरा कमला नगर क्षेत्र के आदर्श नगर की पूरी घटना। 26 मई 2024 को थाना कमला नगर पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो सुबह अपने काम के लिए निकले थे और शाम को जब वो घर लौटे करीब रात के 9 बजे, तो उन्होंने अपने घर में उन्हें अपनी पत्नी का शव मिला, मृत अवस्था में उनकी पत्नी मिली। और तत्काल उन्होंने थाना कमला नगर को सूचना की और इस सूचना पर थाना कमला नगर ACP हरि पर्वत मेरे द्वारा और स्वयं पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा झांसी का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि गुलारा गांव में स्थित हर घर नल योजना के तहत बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बेतवा नदी पर बना हुआ है, यहां करीब रात 1 बजे बेतवा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ इस प्लांट पर आ गया। यहां पर रह रहे सुरक्षाकर्मी प्रदीप और पंप ऑपरेटर ज्ञान सिंह ने अचानक उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जनरेटर के पास वो गए तो उन्होंने जाकर देखा कि 10 से 12 फीट लंबा मगरमच्छ प्लांट के जनरेटर के आसपास अपनी मस्ती में चल रहा है और कुत्तों को देख रहा है। कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। इसके बाद किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में हड़कंप मच गया।
और साथ ही साथ बेतवा नदी से निकलकर दूसरी ओर बने तालाब की ओर मगरमच्छ जा रहा था, कुत्तों की नजर पड़ी तो वो भौंकने लगे। फिलहाल जो मगरमच्छ है वो खुद बेतवा नदी में चला गया। अलीगढ़ सड़क हादसे का शिकार हुए दो फायर ब्रिगेड के पुलिसकर्मी, सड़क हादसे में एक की मौके पर ही मौत, दूसरे का गंभीर हालत में इलाज जारी है जिला अस्पताल में। डॉक्टर ने घायल की स्थिति देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आपको बता दें कि बन्ना देवी से डाक लेकर वापस घवाना फायर स्टेशन लौटते हुए सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके के पिराई मोड़ की पूरी घटना बताई जा रही है। ये फायर सर्विस के दो फायरमैन थे, ये अपने प्राइवेट वाहन से बन्ना देवी से घवाना लौट रहे थे। पिराई मोड़ के पास में जो बेनबो ब्रेड फैक्ट्री है उसके पास में इनकी गाड़ी पलट गई, जिससे एक फायरमैन की डेथ हो गई है और एक सीरियस है जिसको मलखान सिंह से जेएमयू में रिफर किया गया। सुल्तानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की मानहानि मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में राहुल गांधी के न्यायालय में पेश न होने पर बयान दर्ज कराने के लिए 7 जून की तारीख तय की गई है। दरअसल बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी पत्रावली बयान मुलजिम में लगी हुई थी और आज एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी थी। राहुल गांधी की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ये कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ सकेंगे। इस पर परिवाद के अधिवक्ता संतोष पांडे द्वारा विरोध किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए 7 जून की तारीख नियत करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। आज माननीय एमपीएमएलए कोर्ट में राहुल गांधी जी का मुकदमा लगा हुआ था और राहुल गांधी जी की तरफ से एक अर्जमेंट एप्लीकेशन डाला गया था उनके अधिवक्ता द्वारा कि वो लोकसभा चुनाव केरल वायनाड में व्यस्त हैं, जिस कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पाए हैं, लिहाजा हमको मौका दिया जाए। हमने इस पर विरोध जताया और चूंकि पत्रावली बयान मुलजिम में है और बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बयान मुलजिम नहीं बन सकता, तो मेरे विरोध को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने साथ बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, लाइनमैन झुलसा, फीडर की लाइन सही करते समय पोल पर चढ़ा था लाइनमैन, तभी पावर बनाने से हुआ हादसा, करंट की चपेट में आने से पोल से नीचे गिरा लाइनमैन। 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल, गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां इलाज चल रहा है। सरिनी थाना क्षेत्र के रातोपुर गाँव की पूरी घटना। गाजीपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आरटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आरटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जमकर उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। पीलीभीत में पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरपुर के रहने वाले अक्षय पुत्र अनिल कुमार सब्जी विक्रेता रविवार की शाम अक्षय गांव में रिक्शा पर सब्जी बेच रहा था। गांव निवासी मुहिम के दरवाजे पर बाइक खड़ी थी, आरोपी की बाइक हटाने को लेकर बब्बर और अक्षय विवाद हो गया। दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इस दौरान वहां से गुजर रहे व्यक्ति से बचाने की कोशिश की तो बब्बर ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। विवाद के कुछ लोगों ने घर पर चढ़ाई कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो समुदाय के बीच झगड़े की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस संजीव कुमार शुक्ला फोर्स के साथ गांव पहुंचे। माहौल बिगड़ता देख घुंघचाई पुलिस फोर्स भी कानपुर गांव पहुंच गई। फोर्स ने मौके पर मौजूदा भीड़ को खदेड़ दिया। पत्थरबाजी में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए पूरनपुर सीएससी में भर्ती कराया। गाँव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देर रात तक पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही थी। बदायूं के थाना आलोपुर क्षेत्र में एक समुदाय विशेष का आरोपी हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। लड़की को मारने पीटने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। लापता लड़की का नहीं मिल रहा कोई सुराग। लड़की ने चुपचाप किसी तरह फोन कॉल करके पिता को आपबीती सुनाई। लाचार पिता ने आलोपुर थाना पुलिस से लगाई लड़की की बरामदगी की गुहार। लड़की और पिता की बातचीत का ऑडियो आया सामने। पिता को अनहोनी का डर सता रहा है। कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दो पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल। सभी घायलों को दादागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एक लड़की की हालत गंभीर है। दादागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिजनिया मजरा परेवा का पूरा मामला। हमारे घर के सामने के लोग कूड़ा डाल रहे हैं, कूड़े की बने करे। कल भी हमारी चांद फाड़ गई, आज फिर सुबह इन्हें घेर लिया। हमारा लड़का गन्ना लेके घर से आ रहा है, अपने घर के सामने हमारे मुंडा को मारा, तब हम लोगों को मारा, फिर झगड़ा हुआ। ऐसे कोई पुराना विवाद था? पुराना कोई विवाद नहीं था। क्या घूरे को लेकर? हाँ, घूरे को लेकर हुआ है। हमने वो जमीन लाई है राजा की, सबलपुर की, और उसमें सब पूरे गांव के गोबर और कंडा टुपटे हौले हौले करके इन लोगों ने हटाए हैं। इनसे कहते हैं तो झगड़ा करते हैं, इसलिए हम कहते नहीं किसी से। लोगों हम लोगों के 5 लोगों के चोट लगी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में होने वाले कार्यशाला में हथरस जिले की ग्राम पंचायत राजपुरा की ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी प्रतिभाग करेंगी। उन्हें दो दिवसीय कार्यशाला 27-28 को आयोजित होने वाली कार्यशाला में विचार रखने को आमंत्रित किया गया है, जहां पूरे देश से बड़ी गणमान्य शरीक होंगे। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण स्थानीय निकायों के राजस्व प्रभाव को बढ़ाने के लिए कानूनी मंडल तैयार करने के संबंध में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पहले भी प्रधान प्रियंका तिवारी ऐसे कई राष्ट्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग कर चुकी है। ट्रैक्टर और कैंटर की हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल। रॉन्ग साइड से अनियंत्रित गति से आते ट्रैक्टर ने कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत दो लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मौवाखेड़ा थाना इलाके के खानगढ़ी गांव के पास की पूरी घटना है। श्रावसे में बीच बाजार पर भिड़े दो सांड, मची अफरा तफरी। घंटों तक चलता रहा दोनों में लड़ाई। आसपास के दुकानदार और लोग सहम गए। दोनों को भगाने के लिए कोशिश करते रहे। लोगों ने डर से आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया। दो हफ्ते पहले मलहीपुर चौराहे पर बर्गर की दुकान पर काम करने वाले पर भी सांड ने हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर के रेफर किया गया था। आए दिन सड़क पर सांड की लड़ाई के चलते लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। श्रावस्ती जिले के मलहीपुर थाना क्षेत्र के वीरगंज बाजार का एक पूरा मामला। कानपुर में विगत दिनों गंगा में डूबकर तीन बच्चों की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया। मृतक बच्चे के पिता ने कोतवाली इंस्पेक्टर पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि वह आरोपितों को विशेष सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उनको इसी काम में बिठाया जा रहा है। इंस्पेक्टर कोतवाली ने मोटी रकम लेकर बच्चों के हत्यारे को बचाने का काम किया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मृतक बच्चों के परिवार ने कहा है कि उन्हें न्याय पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। वहीं देर शाम कानपुर कोतवाली में भाजपा समर्थकों का जमावड़ा लग रहा, क्योंकि विगत दिनों गंगा जी में डूबकर तीन बच्चों की मौत हो गई, जिसमें क्षेत्र के ही हरीश सिंह, राजेश सिंह उनके पूरे परिवार का आरोप है कि उन्होंने ही बच्चों को गंगा जी में डूबोकर मारा है। सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बाबा विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने की पूरी तैयारी रखी। दर्शन पूजन के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हम जब भी यहाँ आते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारी कामना है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश मजबूती से आगे बढ़े। आपको बता दें कि जेपी नड्डा वाराणसी से पीएम मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए वाराणसी में समाज के लोगों के साथ बैठक और प्रचार कर रहे हैं। रविवार रात वाराणसी पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दर्शन पूजन के बाद मारवाड़ी समाज भवन में विद्युत बैठक, गिरिजा देवी संस्कृत चौकुल में बुनकर कारीगर महासम्मेलन, इसके बाद कबीर प्रभावी मतदाताओं सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। ऊर्जा मिलती है और मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुणों का विजय हो और समाज मंगलमय रहे, सभी में सुख शांति रहे और मंगलमय तरीके से देश आगे बढ़े। और आज भी जब मैं आया हूँ तो मुझे नई ऊर्जा मिली है। मैं काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करूँगा और ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगल में रहे सब। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मई के महीने में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है? हाँ, ये सच है। नौपता के दूसरे दिन रविवार को झांसी में सूरज ने अपना तेवर दिखाया और धरती को आग से तपा दिया। नौतपा के दूसरे दिन रविवार को झांसी में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जो न केवल सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान भरा दिन रहा बल्कि पूरे प्रदेश में भी सबसे ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री, न्यूनतम 28.4 डिग्री। मौसम विभाग की बात करें तो प्रदेश का सबसे गर्म दिन रहा ये। यहाँ अधिकतम तापमान 47.96 डिग्री सेल्सियस था, न्यूनतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के साथ आगरा दूसरे, 46.4% डिग्री सेल्सियस के साथ कानपुर तीसरे और 45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ उरई चौथे और 44 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज पांचवें स्थान पर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे वाराणसी। पीयूष गोयल मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आए। योगा किया उनके साथ, साथ ही साथ चाय की टपरी पर भी चौपाल लगाते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री युवा उद्यमियों से संवाद का कार्यक्रम भी करते हुए नजर आए। पीयूष गोयल व्यापारियों की चर्चा और अन्य क्षेत्र का अवलोकन भी करते हुए नजर आए हैं। पीयूष गोयल बनारसी वस्त्र उद्योग के एसोसिएशन के साथ बैठक भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली को बड़ी सौगात दी। एम्स में आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित विभाग की ओपीडी का हुआ उद्घाटन। उद्घाटन के पहले दिन ही इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे मरीज। शहर के मुंशीगंज कस्बे में स्थित एम्स रायबरेली के कैंपस में आयुष ओपीडी का उद्घाटन हुआ। आयुष डॉक्टर हरकिशन पारेख ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिले को बड़ी सौगात दे दी गई है। से मोदी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, ये भी भारत की गौ माता है, भारतीय नस्ल की गौ माता, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम भी सर, हमारा जो शास्त्र है चरक या सुश्रुत, हर बीमारी में गाय के घी, दूध, दही या गौमूत्र से
उनका चिकित्सा में उपयोग किया गया है, तो वो ही चिकित्सा पद्धति हम इसमें ऐड करेंगे ताकि उसे शरीर में, हमारे शरीर में सर दो प्रकार के बैक्टीरिया, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरियाज होते हैं। तो बिजनौर में ड्राइवर को आई नींद की झपकी, बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में एक दर्जन से ज्यादा सवारी घायल, मची चीख पुकार। जिला लखीमपुर खीरी से कश्मीर जा रही थी बस, अधिकांश मजदूर शाम भट्टे पर जा रही थी सवार। पुलिस ने हादसे के घायलों को इलाज के लिए सीएससी हल्द्वार भर्ती कराया। हल्द्वार थाना क्षेत्र ने अमहेड़ा के पास यह हादसा हुआ। अवगत कराना है कि आज दिनांक 27 मई को सुबह करीब 5 बजे थाना हल्द्वार क्षेत्र में एक बस ड्राइवर द्वारा गाड़ी पर नियंत्रण खो देने से बस खड्डे में गिर गई। इस सूचना पर तत्काल हल्द्वार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार हेतु प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में कुल 16 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, सभी लोग खतरे से बाहर हैं, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। कानपुर के लिए के परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। के लिए वीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कानपुर के पनके गंगागंज में नाला सफाई न होने और गंदगी से परेशान लोगों ने के लिए वीसी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। चार बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। भड़के पनके गंगागंज वासियों ने समझा बुझाकर बात करने के लिए केडीसीवीसी से नाराज लोगों से मिलने के लिए कार्यालय बुलाया। केडीवीसी कार्यालय में हंगामा करते हुए सभी धरने पर बैठे हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।